आज हम लोग देखेंगे पंखुड़ी, ये कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें अभी तक हम लोगों ने पाठ 9 तक के अभ्यास प्रश्न और उसके पाठ के सारांश देख चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पाठ 10 बंदर बांट। तो इसमें जो है दो बिल्लियों की कहानी है। तो बिल्ली को जो है एक दिन घूमते घूमते कहीं जा रही थी, उसको एक रोटी का टुकड़ा मिल गया एक बिल्ली को। तो दोनों बिल्ली झगड़ने लगी, वो कह रही हम लेंगे, वो कह रही हम लेंगे। तो वो दोनों जो है बंदर के पास जाती हैं और बंदर से न्याय करने के लिए कहती हैं। तो बंदर जो है बहुत होशियार होता है। बंदर जो है तराजू पर जो रोटी का टुकड़ा ये चित्र में दिखाया गया है कि बंदर तराजू लिए हुए है और रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा एक टुकड़ा ज़्यादा तोड़ता है एक कम तोड़ता है, तो जो टुकड़ा भारी होता है उसको वो काट करके खा लेता है। इस तरह से धीरे धीरे करते 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 पूरी रोटी खा जाता है, अंत में उसके पास रोटी नहीं बचती है। और इस तरह से और फिर वो जो है वहाँ से तराजू लेकर के भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ पछताती हैं कि हमने गलत किया है, यानी कि हमें झगड़े का जो समझौता अपने आप आपस में कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर दो लड़ाई करते हैं, कहा भी गया कि अगर दो लड़ाई करते हैं तो उसमें तीसरा उसका फ़ायदा उठाता है। तो वही हमें क्या इसे सीख मिलती है ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे कि कहानी क्या है, कहानी में क्या बताया गया है। तो पढ़ते हैं कहानी को सबसे पहले। तो सबसे पहले हम कहानी इसको बंदर बांट पढ़ेंगे, इसके बाद इसके में अभ्यास प्रश्न इसी वीडियो में देखेंगे। बंदर बांट। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली कहती है नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली मुझे कहीं से रोटी की महक आ रही है। काली बिल्ली हाँ बहन आ तो मुझे भी रही है। सफ़ेद बिल्ली वो देखो मेज़ पर रोटी है, मन कर रहा है लपक लूँ पर डर लगता है। काली बिल्ली तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली रोटी लपक कर भागने लगती है। अब इसके बाद सफ़ेद बिल्ली अरे ठहर, रोटी लेकर कहाँ भाग रही है, मेरी रोटी मुझे दे। काली बिल्ली तेरी रोटी, रोटी तेरी कैसे। सफ़ेद बिल्ली तुझे रोटी मैंने ही दिखाई थी। काली बिल्ली नहीं रोटी मैंने लकी थी, मैं रोटी नहीं दूंगी। सफ़ेद बिल्ली मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। काली बिल्ली मेरा रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हें रोटी नहीं दूंगी। दोनों झगड़ती हैं, एक दूसरे पर गुर्राती हैं, तभी बंदर का प्रवेश होता है। बंदर तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो, मेरी रोटी कहकर दोनों चिल्ला भी रही हो। रोटी किसकी है इसका फैसला मैं कर देता हूँ, आओ मेरे साथ। अब जो है बंदर अपने पास बुलाता है और दोनों बिल्लियों को अपने पास वो कह रहा है कि हम इसका फैसला कर देंगे। अब आगे है कि बंदर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है, दोनों पीछे पीछे चलती हैं। बंदर मेज़ पर आकर बैठ जाता है, बिल्लियां मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हो जाती हैं। बंदर सफ़ेद बिल्ली बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली श्रीमान जी रोटी पहले मैंने ही देखी थी, इसीलिए रोटी पर पूरा अधिकार मेरा है। बंदर काली बिल्ली से बोलो तुमको अपने पक्ष में क्या कहना है। तो काली बिल्ली कहती है श्रीमान जी रोटी लेने मैं ही झपटी थी, इसलिए रोटी मेरी है। बंदर क्या तुम दोनों का कोई गवाह है। दोनों बिल्लियाँ जी नहीं कोई नहीं। बंदर जब कोई गवाह ही नहीं तो किसकी बात सच मानूं। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर अपने आप दोनों को बराबर बराबर बांट दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा भी है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है और रोटी तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है। तराजू उठाता है, एक पलड़ा नीचे झुक जाता है दूसरा ऊपर।
बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसे खाकर कुछ हल्का कर देता हूँ। फिर तराजू उठाता है, अब दूसरा पड़ा भारी हो जाता है। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, इसे भी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। बंदर रोटी का टुकड़ा तोड़कर खाता है और कहता है, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, बराबर नहीं हो पा रहे हैं, मेरे हाथ और मुंह दोनों थक गए हैं। दोनों बिल्लियां बंदर की चालाकी भाप जाती हैं और एक दूसरे की ओर देखते हुए कहती हैं, श्रीमान बिल्लियां, नहीं सॉरी दोनों बिल्लियां, श्रीमान जी आप टुकड़ों को बराबर करते करते थक गए हैं, बची खुची रोटी हमें दे दें, हम बांट कर खा लेंगे, हमें यह बंदर बांट नहीं चाहिए। बंदर, नहीं नहीं, तुम दोनों फिर झगड़ोगी, इसीलिए मैं झगड़े की जड़ ही मिटा देता हूँ। बंदर बची खुची रोटी भी खा जाता है और तराजू लेकर वहाँ से भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ पछताती रह जाती हैं। काली बिल्ली, रोटी तो बंदर खा गया, अब क्या करें। सफ़ेद बिल्ली, करना क्या है, आगे से झगड़ा बंद, अपना फैसला मिलजुल कर करेंगे। दोनों बिल्लियाँ गले मिलती हैं और साथ साथ चली जाती हैं। इसके बाद इसके हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न इसको हमने कॉपी में लिख लिया है, इसमें उत्तर दो, इसमें लिखित उत्तर देना है। पहला प्रश्न दिया गया है कि दोनों बिल्लियों के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ। तो इसका उत्तर है कि दोनों बिल्लियों के बीच रोटी के टुकड़े के लिए, रोटी के लिए झगड़ा हुआ, यानी रोटी के लिए दोनों बिल्लियों के बीच में झगड़ा हुआ। अब आगे आता है कि प्रश्न खा, झगड़े को निपटाने के लिए बंदर ने क्या किया। तो इसका उत्तर है कि झगड़े को निपटाने के लिए स्वयं ही रोटी बंदर खा गया। अब आगे आता है गा कि बंदर की जगह तुम होते तो रोटी किस बिल्ली को देते और क्यों। तो उत्तर है, बंदर की जगह मैं होता तो दोनों बिल्ली को बराबर बराबर रोटी देता। अब आगे आता है घा, प्रश्न संख्या घा, बिल्लियों ने अंत में क्या निर्णय लिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बिल्लियों ने आगे से झगड़ा ना करने व फैसला अपने आप मिलजुल कर करने का निर्णय लिया। अगला प्रश्न संख्या दो है, बंदर ने रोटी को बांटने के लिए तराजू का उपयोग किया। अपनी कापी में ऐसी चीज़ें लिखो, नाम मतलब ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें तौलने में तराजू का प्रयोग किया जाता है। तो लगभग सभी चीज़ों को तौलने में तराजू का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोगों ने देखा है बच्चों वही आपको लिखना है। जैसे गेहूँ, चावल, अब इसका उत्तर दे सकते हो, गेहूँ, चावल, चीनी, आलू, अनार, आम, चना, मटर, टमाटर, नींबू आदि चीज़ें। अब इसके बाद आता है, अब इसमें हम सब्जियां भी लिख सकते हैं, लगभग सभी सब्जियां जो है तौल कर ही बेची जाती हैं तराजू में। अब आता है इसके बाद प्रश्न संख्या तीन, तुम इस नाटक को क्या शीर्षक देना चाहोगे और क्यों। हम इस नाटक का शीर्षक होशियार बंदर देना चाहेंगे, क्योंकि बंदर अपनी होशियारी के कारण बिल्ली की सारी रोटी खा गया। अब आगे आता है प्रश्न संख्या चार कि खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। इस वाक्य में कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी इस वाक्य को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कुछ खाने को ढूंढ रही हूँ। अब तुम भी नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों को इसी प्रकार आगे पीछे करके सही वाक्य बनाना है। वो देखो, यानी यहाँ पे वाक्य गलत दिया है कि वो देखो रोटी है मेज पर। तो इसको हम सही करके लिख सकते हैं कि वो देखो मेज पर रोटी है। अब आगे है खा, कहाँ भाग रही है लेकर रोटी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसको हम सही क्रम में लिखेंगे, तो रोटी लेकर कहाँ भाग रही है। अगला वाक्य दिया है, मैं नहीं ले जाने दूंगी तुझे रोटी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं तुझे रोटी नहीं ले जाने दूंगी। आगे आता है घा, कोई गवाह है क्या तुम दोनों का। तो इसका उत्तर सही लिखेंगे वाक्य, तुम दोनों का क्या कोई गवाह है। इसके बाद आगे आता है प्रश्न संख्या पाँच, अगले दिन दोनों बिल्लियों को दूध से भरी कटोरी मिली। वे सोचने लगीं दूध को कैसे बांटें, तभी
फिर वही बंदर आ गया, बताओ आगे क्या हुआ होगा। तो इसका उत्तर है कि इस बार दोनों बिल्लियों ने वहाँ से बंदर को डांट कर भगा दिया होगा और दोनों आपस में मिलजुल कर दूध पिया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।